यूपी उपचुनाव के दौरान बिरयानी के तेज पत्ते पर वोट बैंक की राजनीति का मसाला पकता नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक चुनावी सभा में अल्पसंख्यक समुदायों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल बिरयानी में मसाले के तौर पर पड़े तेज पत्ते की तरह किया है। डिप्टी सीएम के बयान पर मुसलमान क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सब का जो स्वाद को आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर। आपका हाल यही है, बरेलिया में कहने के लिए आया। यूपी चुनाव की सियासी जंग बिरयानी के मसाले की आंच पर पकती दिख रही है। केंद्र में है मुसलमान और निशाने पर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने मुसलमानों को बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और फिर किनारे रख दिया। मौका मुरादाबाद में कुंदरकी सीट पर प्रचार का था, जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अल्पसंख्यक सम्मेलन के दौरान वहां मौजूद मुसलमानों को विपक्षी पार्टियों में चल रही वोट बैंक की राजनीति समझाने की कोशिश की। दालचीनी, बड़ी इलायची, सब का जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है, बरेलिया में कहने के लिए आया। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी, वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की तीन पार्टी हो जाएगी। वोट के लिए मुसलमानों के इस्तेमाल के आरोप लगे तो इस पर खुद मुसलमान क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए जी मीडिया की टीम ने देश के कुछ बड़े शहरों में इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से बात की। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिरयानी की सबसे बड़ी दुकान हाजी मकसूद की है, जहां खुद हाजी मकसूद ने ब्रजेश पाठक के बयान को पूरी तरह से सियासी बताया। बिरयानी हमारे वाली साहब ने शुरू की थी तारी, अब से 70 साल पहले हाजी मकसूद। बिरयानी में तेज पत्ता भी डालते हैं, तेज पात भी घेरते हैं, तेज पात भी घेरते हैं, और उसी तेज पत्ता की इन दोनों यूपी में बड़ी चर्चा है। वहीं बिरयानी का मजा लेने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जी मीडिया की टीम ने बात की तो उनकी अलग अलग राय सामने आई। आप ऐसा फील नहीं करते कि तेज पत्ते जैसी स्थिति है? नहीं, बिल्कुल तेज पत्ते जैसी स्थिति नहीं है। मुसलमान जहां वोट दे रहा है, कांग्रेस में पहले वोट दी थी तो वो सम्मान देते थे, समाजवादी को वोट दे रहे हैं तो वो सम्मान दे रही है। मुसलमान को सम्मान मिला, सब कुछ मिला समाजवादी पार्टी से, जितना समाजवादी पार्टी ने दिया उसका 1% भी कभी बीजेपी ने दिया ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है, आजादी के बाद से जो है मुसलमानों को हमेशा खाने की चीज ही समझा गया है, इस्तेमाल करने की चीज ही समझा गया है। जी मीडिया की टीम ने जब अलीगढ़ में मुसलमानों से बात की तो उन्होंने सभी दलों पर उनके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। ये तो ये बात तो सही है कि पार्टी वाले तो यूज कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों का इस्तेमाल तो देखिए शुरू से हुआ है, हर राजनीतिक पार्टी ने किया। मौका भले ही चुनावी हो लेकिन धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को लोगों ने पूरी तरह से गलत ठहराया। वोट बैंक की सियासत पर सवाल खड़े किए, समस्याओं के समाधान की मांग की और सवाल पूछा कि बिरयानी के बहाने भी निशाने पर मुसलमान क्यों।